सब्सक्राइब करें एनी स्टाइल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में मैंने दिखाया है कि आप लहंगे के ऊपर किस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं। लहंगे के ऊपर भी साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप दुपट्टे को पहनते पहनते बोर हो गए हैं तो आप लहंगे के ऊपर इस तरीके से साड़ी पहनिए, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती है। एंड गाइस, अगर आपके पास लहंगा नहीं है और कोई भी स्कर्ट वगैरह भी है तो आप स्कर्ट के ऊपर भी इस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। एंड गाइस, साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर के लिए गिव अवे चल रहा है। गाइस, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे जल्दी से 10K सब्सक्राइबर हमारे कम्प्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम साड़ी का पल्ला सेट कर लेंगे। इस तरीके से साड़ी की बारीक बारीक प्लेटें बना लेंगे। और गाइस, इसे पिन से सिक्योर कर देंगे। एंड जितना आपको पल्ला लेना है उतना सेट कर लेंगे। गाइस, अगर आपको ज्यादा पल्ला चाहिए तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। एंड गाइस, इस तरीके से लेते हुए पल्ले को ऐसे आगे की तरफ लेकर आ जाएंगे और इसे भी इस तरीके से लेकर पिन से सिक्योर कर देंगे। गाइस, ये लुक बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से साड़ी पहनना और पहनने पर बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आजकल मार्केट में काफी अच्छे अच्छे लहंगे मिल रहे हैं। अगर आपके पास लहंगा नहीं है तो आप इसे स्कर्ट्स पे ट्राई करके देखें। अभी स्कर्ट्स भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और इस तरीके से गाइस साड़ी की प्लेटें बना लेंगे। इस तरीके से बारीक बारीक हम साड़ी की सभी प्लेटें बना लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से आप लहंगा अलग रखना, साड़ी अलग रखना और ब्लाउज अलग रखना, उससे क्या है इसका लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। तीनों को आप कंट्रास्ट में अलग रख के पहनेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद गाइस प्लेटों को हम अच्छे से टकिंग कर देंगे। एंड गाइस, इसे भी हम पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे क्या हमारी प्लेटें खराब भी नहीं होगी। एंड गाइस, ये प्लेटें का कॉर्नर लेकर हमें इसे इस तरीके से भी प्लेटें बनाएंगे। बारीक बारीक प्लेटें बनाते हुए इसे इस तरीके से साइड में टकिंग कर देंगे। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अब इस तरीके से हम साड़ी का पल्ला सेट करेंगे। इस तरीके से इन्हें अच्छे से सेट करते रहेंगे। एंड गाइस, इन्हें अच्छे से सेट करते हुए इन्हें पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे हमारा पल्ला बार बार खिसके नहीं। एंड गाइस, हमने जो लास्ट में पिन लगाई थी इसे हटा लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये लुक बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप किसी भी वेडिंग वगैरह में, फंक्शन में पहनिए, बहुत ही सुंदर लुक आता है। एंड गाइस, आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।